बदलाव की जरूरत तो आज पूरा देश महसूस कर रहा है। मेरी बात ठीक है, पूरे देश में एक ऐसी अभी चीजें हो रही हैं जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और चाहते हैं कि इस पूरे चीज को बदला जाए। जिस तरह से पिछले 10 सालों में काम के अलावा सिर्फ बातें हुई हैं, पुराने काम को ही नया काम करने की कोशिश की गई, मनरेगा कांग्रेस की देन, आज उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 5 किलो अनाज 1 रुपये में पहले भी मिलता था, आज उसको फ्री कर दिया, तो 25 रुपये की छूट, अगर 5 आदमी हैं 25 किलो अनाज मिल रहा है, 25 रुपये की इन्होंने छूट दे करके और 625 रुपये का पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने माफ़ किया। माफ तो पहले भी था, 1 रुपये में अनाज मिलता था पहले। उसी तरह से आप देख लीजिए स्वच्छता का, पहले भी आपको स्वच्छता के लिए कई सारे जो है सो इंतजाम किए गए थे, बाथरूम बनवाए गए जा रहे थे, छोटे छोटे बाथरूम, सस्ते बाथरूम बनवाए जा रहे थे, उसको इन्होंने दूसरा नाम दे करके उसको अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चूँकि चतरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव है तो इस क्षेत्र में जो बड़ी समस्याएं हैं, ओवरब्रिज की समस्या है, कई समय भी कई वर्ष बीत गए ओवरब्रिज नहीं बन पाया, क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या आपकी समस्या तो सिर्फ ओवरब्रिज की नहीं है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को अभी तक बेवकूफ बना करके जिस तरह से यहाँ के संसाधनों को लूटा जा रहा है वह सबसे बड़ी समस्या है। हम थोड़ा देर रुक करके क्रॉस कर सकते हैं, है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ओवरब्रिज का, लेकिन सेंशन हो गया है, बहुत कई बस बीत चुके हैं, उस पर संघर्ष भी चल रहा है, लोगों के संघर्ष भी हो रहे हैं, कई मौतें हुई हैं लगातार हो रही हैं, कई मौतें हुई ही नहीं है, लगातार हो रही हैं, हमेशा जाम में फंस कर कोई ना कोई रोगी बच रहा है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है निश्चित रूप से। और सेंक्शन होने के बाद इतना दिन तक रुकने का कोई कारण समझ में नहीं आता है, शायद हमारे राजनेताओं की कमी ही इसका कारण है। अच्छा, गठबंधन प्रत्याशी केंद्र पार्टी है, उनकी जीत के लिए आपके पार्टी की ओर से क्या कदम लगाया जा रहा है और क्या कदम उठाया जा रहा है? पहले तो हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं उनको भाजपा की जो करनी और कथनी में जो आकाश जमीन का अंतर है, उस अंतर को बताया जाए लोगों को, भाजपा करती क्या है और करती क्या है, जिस तरह से लोगों के जो मामूली से मामूली अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ ट्रेन लाइनें बन गई हैं लेकिन बालूमा स्टेशन बन गया, हमारे लोगों को क्या फायदा हुआ? सिर्फ वहाँ से कोयला ढोया जा रहा है, इसके अलावा कोई फायदा नहीं। हजारीबाग तक ट्रेन लाइन बनी हुई है लेकिन उससे पैसेंजर की गाड़ी कहाँ चल रही है? उसमें तो कोई गाड़ी, उसमें तो सिर्फ मालगाड़ी चल रही है। एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, युवा बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में बाहर रोजगार किया जा सकता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एक गलत आरोप लगा करके जो आपका एसआर और अभिजीत ग्रुप के बाद यहाँ बंद हुआ, कोयले का जो जो है गलत आरोप, आज कोर्ट ने उसको फाइनल कर दिया कि उस आरोप में कोई दम नहीं था, लेकिन उसके चलते सरकार चली गई, उनका जो है सो जो ये था कोयला का जो मिला हुआ था खदान, उसकी उसका लाइसेंस रद्द हुआ, जिसके चलते उनकी फैक्ट्री बंद हुई, आज चंदवा का एक भी लड़का बेरोजगार नहीं होता अगर एसआर और अभिजीत और बाकी जो यहाँ के कोयले की खदानें जो है चलाई जा रही है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो दिया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इतने साधन हैं, इतने प्रचुर चीजें हैं कि हम दूसरे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, फिर भी हमारे लोग भटक रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दोहन है और सिर्फ दोहन है और सिर्फ दोहन। Elite Institute. अगर आपके अंदर चाह है तो Elite आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो Elite आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए Elite Institute.